गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्षितिज के काव्य खंड का सेकंड चैप्टर वाक। ठीक है, वाक जो है ललदद्य जी ने लिखा हुआ है। ये एक कश्मीरी कवियत्री जी हैं। इन्होंने यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते बताते हुए कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपने नाव रूपी जीवन को इस सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। अर्थात मैं अपने इन कच्चे धागे रूपी सांसों से अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ। अब इन्होंने सांसों को कच्चा धागा क्यों क्या कहा है, कि जैसे कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, उसी तरह हमारी सांसें भी कभी भी रुक सकती हैं। ठीक है, तो मैं अपने सांसों रूपी कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। हे ईश्वर, आप मेरी पुकार कब सुनोगे? मैं आपको याद कर रही हूँ, मैं आपकी मदद चाहती हूँ, तो आप मेरी पुकार कब सुनोगे? करे देव भव सागर पार, और मुझे इस जीवन रूपी भव सागर से पार कब करोगे? अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। हे ईश्वर, मैं चाहे कितनी भी भक्ति कर लूं, लेकिन मैं एक पानी टपके कच्चे सकोरे, मैं एक उस कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान हूं जिससे पानी टपकता रहता है। ठीक है, जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, जब तक वो कच्चा रहता है उससे पानी गिरता है। वो मजबूत कब होता है? जब उसको आग से तपाया जाता है। तो वो कह रही है, कवियत्री कह रही है कि मेरा जो जीवन है कच्चे सकोरे, मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह है जिससे पानी टपक रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कितने भी प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वो सब मेरे क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, मुझे आकर दर्शन दो और मेरे इस जीवन को साकार करके मेरे प्रयास को सार्थक करो। जी में उठती रह रहे हो, हे ईश्वर, मेरे मन में रह रहकर बेचैनी होती है, घर जाने की चाह है घेरे। मतलब मुझे जो है इतनी बेचैनी होती है कि मैं कहती हूँ मैं अपने घर कब जाऊँगी। अब यहाँ पर कवियत्री ने अपना घर किसे कहा है? ईश्वर के घर को। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने एक कच्चे ईंट बजरी रेत बजरी के मकान को उन्होंने घर नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर, अपने ईश्वर की प्राप्ति जिस दिन मुझे हो जाएगी, उस दिन मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और हे ईश्वर तुम ही बताओ कि मेरे घर जाने की चाह कब पूरी होगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। अब कवियत्री यहाँ पर कह रही है, मनुष्य को दर्शाते हुए मनुष्य के लिए बात बता रही है कि खा खा कर कुछ नहीं पाएगा। हम कितना भी खा लें, कितने प्रकार के व्यंजन खा लें, कुछ कर लें, लेकिन हमें प्राप्त कुछ नहीं होगा जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे। ना खा कर बनेगा अहंकारी, और यदि हम नहीं खाएंगे तो हम क्या बनेंगे? अहंकारी। ना खाने से तात्पर्य क्या है? अगर हम दिखावा करेंगे कि देखो हमने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या रखे हैं? उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? अहंकारी। ठीक है, यदि हम खाते हैं तो भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, और यदि हम ना खाकर नहीं कुछ खाएंगे तो हम क्या कर बनेंगे? अहंकारी। क्योंकि हम फिर बखान करेंगे ना, नहीं जी आज मेरा उपवास है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये जब हम इस चीज़ का बखान करते हैं तो समझो हम पे क्या आ जाता है? घमंड, अहंकार हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब अपने अहंकार को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, सम खा, जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी।
और हमारे भीतर से अगर अहंकार समाप्त हो गया तो संभावी, तो हम सबको एक समान नज़रों से देखेंगे। हमारे लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा, सब हमें ईश्वर के भक्त ही दिखाई देंगे। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम अपने अहंकार को समाप्त कर लेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब हम अपने अहंकार को ख़त्म कर लेंगे तो हमारे जो बुद्धि में, जो हमारी बुद्धि में अविवेक, मूर्खता की जो सांकल लगी है, सांकल कहते हैं कुंडी को, जो वह कुंडी लगी हुई है वह खुल जाएगी। ठीक है, कब खुलेगी? जब हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा तब हमारी जो बुद्धि से मूर्खता की जो कुंडी है वह खुल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो इसमें आपके श्लोक जो हमने पढ़े, तो इनको अब हम, इसको मैं वर्कशॉप में इसकी व्याख्या करने के लिए दूंगी, और आपने इसको, इसकी व्याख्या को पूरा करना है। थैंक यू।